तो फ्रेंड्स, यह पर्टिकुलर सर्विस आपको आपकी बेस ब्रांच यानी आपका अकाउंट जो ब्रांच में ओपन हुआ है वो ब्रांच में से मिल सकती है। तो अपनी बेस ब्रांच में चले जाइए और वहाँ से सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म ले लीजिए। एंड वो कैसे भरना है, ओके, सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म, वो मैं आज आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं कैसे सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म भरते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, उसके लिए आप अपनी बेस ब्रांच यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बेस ब्रांच यानी जहां पे आपका शुरुआती अकाउंट ओपन हुआ है वो ब्रांच में चले जाइए। फिर वहां पे आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म मिलेगा। ओके, यानी देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओके, ये है सेवा अनुरोध फॉर्म, ओके, ये सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म यानी आपको जो भी सर्विस अवेल करानी है उसका फॉर्म। फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये है SRF फॉर्म यानी सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म 1, ओके। फिर फ्रेंड्स देखिए, कुछ इस तरह के कुछ ऐसा फॉर्म रहेगा। ओके फ्रेंड्स, पीछे देखिए, यहाँ पे आपका सिग्नेचर आएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ एप्लीकेंट एंड सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। ओके, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि ये देखिए, यहाँ पे है अकाउंट नंबर यानी वो ब्रांच में आपका कौन सा अकाउंट है वो अकाउंट नंबर। फिर शीर्षक यानी आपका नेम यानी शीर्षक मिस्टर मिसिस जो भी हो। फिर पहला नाम, फिर मिडल नेम एंड फिर लास्ट नेम यानी आपके पासबुक के हिसाब से। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे टिक करना है कि आई और वी अप्लाई फॉर द फॉलोइंग टिक मार्क सर्विसेज। ओके, यानी ये जो सर्विसेज है यहाँ पे आपको टिक मार्क लगाना है। ओके, ये जो सर्विसेज है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ आपको ये पर्टिकुलर सर्विस कैसे फिल करते हैं वो। फ्रेंड्स, सबसे पहले वो सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म में अपना अकाउंट नंबर लिख दीजिए, जैसे कि मैंने लिख दिया ये मेरा अकाउंट नंबर। ओके, यानी ये जो बॉक्स है, ओके, बॉक्स यानी ये 15 डिजिट का अकाउंट नंबर आता है तो वो फिट हो ही जाएगा। ओके, ये बॉक्स में आपका अकाउंट नंबर फिट हो ही जाएगा। ओके, फिर नीचे आपका शीर्षक नाम यानी टाइटल मिस्टर मिसिस मिस जो भी आता है। फिर फर्स्ट नेम, फिर ये मिडल नेम और फिर लास्ट नेम। ओके, जैसे कि आपके पासबुक के हिसाब से जो भी नाम आता है वो फर्स्ट मिडल एंड लास्ट में लिख दीजिए। ओके, फिर यहाँ पे नीचे एक टिक मार्क है। ओके, यहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे क्या है, आई और वी अप्लाई फॉर द फॉलोइंग टिक मार्क सर्विसेज। ओके, यानी मैं और मेरे साथ जो भी है वो नीचे दी गई सर्विस को अवेल करना चाहते हैं। ओके, यानी यहाँ पे आपको टिक करना है और नीचे दी हुई यानी मैं अभी बताता हूँ कि ये सर्विस के लिए क्या करना है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये वाली सर्विस आपको 10 नंबर, ओके, 10 नंबर पे मिल जाएगी कि फ्रेंड्स देखिए, कैंसिलेशन ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। ओके, यानी आपने जो डिमांड ड्राफ्ट बनाया है अभी उसका यानी वो कुछ काम का नहीं है तो उसको कैंसिल कराना है। ओके, तो पहले आपको यहाँ पे टिक करना होगा, प्लीज़ कैंसिल द एनक्लोज ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट। ओके, यानी उसका डिमांड ड्राफ्ट का नंबर और यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर जो डेट है वो। ओके, और फिर फ्रेंड्स, कितने रुपीज़ का वो डिमांड ड्राफ्ट है और किसके नाम से यानी पे ऑर्डर किसके नाम से है उनका नाम। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट का नंबर, यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट की डेट, यहाँ पे आएगा कितने रुपीस यानी यहाँ पे वैल्यू आएगा और किसके नाम से ये डिमांड ड्राफ्ट इश्यू किया था वो। ओके, एंड फ्रेंड्स, लास्ट में आपका डिक्लेरेशन आएगा। ओके, यानी आपने जो सर्विस अवेल की है यानी उसका ऑथेंटिकेशन वो आएगा फ्रेंड्स 13 नंबर पे। ओके, यहाँ पे आपका नेम एंड यहाँ पे सिग्नेचर, जैसे कि यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ एप्लीकेंट 2, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट 2। यदि आपका जॉइंट अकाउंट है और दूसरा जॉइंट में व्यक्ति,
तो उनका नेम एंड यहाँ पे उनका सिग्नेचर। अगर वहाँ पे वो नहीं है यानी जॉइंट में अकाउंट नहीं है, सिंगल अकाउंट ही है, तो पहले एप्लीकेंट का नाम एंड उनका सिग्नेचर, ओके। और यहाँ पे प्लेस एंड यहाँ पे यानी कौन सी तारीख को आपने ये एप्लीकेशन दी है वो उसकी तारीख, ओके। फिर फ्रेंड्स अगर आपका करंट अकाउंट है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सिंबल विद सिग्नेचर, जैसे कि ऊपर प्रोपराइटर यानी प्रोपराइटर अकाउंट है तो ऊपर प्रोपराइटर लिखा रहता है, नीचे फॉर लिखा रहता है, और बीच में आपको सिग्नेचर करना है वो। अगर आपका पार्टनरशिप अकाउंट है तो पार्टनरशिप अकाउंट में भी वो जो सिंबल आएगा, सिंबल के बीच में अगर आपको जो जितने भी पार्टनर है उतना उनका सिग्नेचर। अगर बैंक में अगर वो मांगते हैं कि आपका पार्टनरशिप यानी आपके पार्टनरशिप के लेटर हेड पे लिख के दीजिए, तो वो भी आपको करना पड़ेगा, ओके। फ्रेंड्स इस तरह आप सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म भर के ये पर्टिकुलर सर्विस अपने अकाउंट में अवेल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा, बने रहिए, देखते रहिए। एंड फ्रेंड्स अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके मोबाइल के ऊपर मिल जाए। ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा, देखते रहिए, बने रहिए, कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।